हाय गाइस, गुड म॑र्निंग. सुबह के 7 बज रहे हैं. अयान को उठाना है, उसकी क्लासेस हैं. मेरी बन रही है चाय, और चाय पी लेती हूँ क्योंकि ना नींद नहीं खुल रही. तो नींद खोल के चाय पी के फिर बाद में ब्लॉगिंग शुरू करते हैं. अयान उठो बेटा, क्लास है. मासूम से लगते हैं ना बच्चे, कितने शैतान के नाने. सुबह सुबह मासूम लगते हैं. उठो अयान, क्लास है, उठ बेटा. दो दिन से ब्लॉग इसीलिए नहीं आया क्योंकि घर में व्हाइट वॉश का काम चल रहा था. अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, मगर अभी कारपेंटर का काम रह गया है. हमारे घर तो घर के काम ही ख़त्म नहीं हो रहे. खैर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग. मेरा बेटा सीख रहा है स्केटबोर्ड, चलाओ ज़रा. तो इसको स्केटबोर्ड सीखने, गिरते गिरते बच गया. इसको स्केटबोर्ड सीखने का बहुत शौक चढ़ा था और ये स्केटबोर्ड सीख रहा है आजकल. और हम आए हैं थोड़ी देर धूप में बाहर बैठने में जा रही हूँ. वो चाहता है कि मैं उसका स्टंट रिकॉर्ड कर लूँ, तो कर लेते हैं. बस गिरे ना, झंड ना हो जाए. यो ये देखिए हमारा आयान, जितनी भी आयान की फैंस है, आयान स्केटबोर्ड सीख गया. वो भी तरफ बंद हो गया. पापा मेरे को डांट रहे हैं रिकॉर्डिंग में. हाँ डांटो ना. पापा मेरे को डांट रहे थे कि तू वॉक नहीं करती है, घूमती नहीं. मैं थोड़ी मोटी हो गई हूँ. तो पापा, कभी पापा कहते पतली हो गई है, कभी पापा कहते मोटी हो गई है. कन्फ्यूज ही कर देते हैं. अब कहने, मैं तो ये तो नहीं कहा था इतनी मोटी हो जा, वॉक तो किया कर. तो अभी डांट रहे थे, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी. मैंने देखा कि रिकॉर्डिंग ऑन कर दो तो ना हस्बैंड कुछ कह पाती, ना कुछ पापा. हाय तो कर दो. तो बहुत दिन हो गए ना ब्लॉग बनाए हुए. आजकल मैं अपने कॉमेडी चैनल पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ और इस वजह से ब्लॉग्स थोड़े कम बन रहे हैं. हमारे घर में वाइट वॉश भी चल रहा था, हम उसमें भी ऑक्यूपाइड थे. अब हम फ्री हो गए हैं तो दोबारा से नए ब्लॉग्स बनाना शुरू करेंगे. अभी हम धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी ले रहे हैं. और मैं थोड़ी पापा की डांट खा लेती हूँ, वो चुप हो गया रिकॉर्डिंग के कारण. तो डांट खा के वापस कनेक्ट करती हूँ. तो हमारी एक डिस्कशन चल रही है. एक्चुअली स्कूल्स जो है ना कम्प्लीटली ऑफलाइन कर रहे हैं 1 दिसंबर से, और ऑनलाइन क्लासेस नहीं होंगी. बच्चों को स्कूल में ही जाकर क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी. आज मेरे बेटे का एग्ज़ाम था, मैं वेट करती थी, एग्ज़ाम हुआ नहीं. फिर बाद में मैसेज आया कि अब सीधा स्कूल में ही एग्ज़ाम्स होंगे. तो मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि क्या करूँ, स्कूल भेजे नहीं भेजे. अभी वैक्सीनेशन तो लगी नहीं है, क्या करूँ. मैं तो वही कह रही हूँ कि 2-3 दिन पहले मैंने सुना है, आज फिर सुना है डॉक्टर को ले रहे हैं. उन्होंने बोला है कि स्कूल वाले पेरेंट्स पे जोर दे रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजो, लेकिन आपने बिल्कुल नहीं भेजना. बिल्कुल बच्चों को भेजना नहीं है. और अगर क्लासेस ही नहीं, फिर तो ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस तो बंद. जो भी है घर पे, हमने तो उनका कहना मानना ना बेटा. उनकी तो विंटर वेकेशन हो जाएगी बहुत लंबी वाली. पहले बात नहीं, पर बच्चे को रिस्क थोड़ा बेटा डालना. बच्चे को प्यारी नानी, नानी बहुत प्यार करती नहीं, है. नहीं नहीं, 4 साल वेस्ट चले जाए. पर ऐसे ना वो नहीं होना चाहिए कि बच्चे को रिस्क नहीं ले सकते बच्चे के लिए. बेटा बिल्कुल ठीक बात कही आपने. चलो और बताओ, पापा को फ्रेम से हटा दिया है. मैं तो सोच रही हूँ पापा को कास्ट करने का मैं पैसे चार्ज करूँ ऐसे भी. मेरे पापा इतना अच्छा गाना गाते हैं ना, और इतने प्यारे हैं जो बात करते हैं ना, मतलब बड़े प्यारे हैं, मगर बोलते ही नहीं मेरे ब्लॉग्स में. वो देखो वो कहते नजर ना लगे. ही इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग इन माई ब्लॉग्स, पता नहीं क्यों. चलो कोई बात नहीं, कभी ना कभी जब मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, पापा से गाना गवाऊंगी. गा दोगे तब? तो जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे तो पापा गाना गाएंगे. अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो गाना कब सुनना चाहते हैं. जितनी जल्दी आप सब्सक्राइब करेंगे उतनी जल्दी आप गाना सुन पाएंगे. अभी 2 लाइनें सुना दो. अभी नहीं सुनाएंगे. वो कह रहे 1500 सब्सक्राइबर्स पर मैं कुछ नहीं सुना रहा, पहले तुम्हारे 10 मिलियन सब्सक्राइबर. 10 मिलियन, 10 मिलियन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं ज़्यादा बोल रही हूँ. हम लोग जो हैं पार्क के 2 राउंड लगाने निकले हैं, और फिटनेस फ्री के हम खा पी कर हम 2 राउंड ज़रूर लगाते हैं ताकि हम पतले रहें. जोक था, जोक. हमने अभी लगाए 2 राउंड पार्क के, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है. और 2 राउंड के बाद हम बैठ गए हैं थोड़ा सांस लेने के लिए. और अच्छा लगता है सर्दियों में धूप लेना, बहुत अच्छा लगता है. लोग दिखते हैं, नए लोगों से जान पहचान बढ़ती है. 2 राउंड और रोज़ लगाओ ना. हाँ तो खाया पिया थोड़ा हो जाता है, चला जाता है.
अब जो नई जगह बन जाती है, अब जो खाया पिया है उसको हजम कर लिया है, जगह बन जाती है। अब अंदर जाके कुछ नया खाएंगे, फिर उसको खाने हजम करने के लिए दो राउंड लगाएंगे, फिर जाएंगे फिर कुछ खाएंगे, फिर दो राउंड लगाएंगे। इतने राउंड कहाँ लगाते हैं बेटा, मतलब बहुत पतले ना हो जाते हैं। नहीं खा पी तो रहे ना साथ साथ, मोटे होते जा रहे हैं और भी खा जो रहे हो साथ में खाते हैं। मान लो खाया हमने छह राउंड के हिसाब से, लगाए हमने दो राउंड, तो चार राउंड पेट में ही है ना। तो अब हम लोग जो है मतलब खाना खाते हैं राउंड लगाते हैं, 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 फिर भी हम यही बोलते हैं हम पतले क्यों नहीं होते। मैं तो बहुत स्पीड से मोटी हुई हूँ इस बार, मेरी बॉडी बिल्कुल मेरे हाथ में है, जब चाहूँ पतली कर सकती हूँ, जब चाहूँ मोटी हो सकती हूँ। बट आजकल मैं कुछ मोटी 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 होती जा रही हूँ। अब मेरे को सब टोकने लग गए हैं, मेरे भाई टोकने लग गया, मेरे पापा टोक रहे थे कि तू मोटी होती जा रही है, तो ठीक है आज से मैं पतले होने की कोशिश फिर से शुरू करती हूँ। मेरे को लगता है बस माँ बेटी भी लगनी चाहिए ना, है ना। माँ बेटी तो लग दीजिए ना, पति भी मेरा मोटा, मम्मी भी मेरी मोटी, मैं अकेली पतली क्या करूँगी। पापा पतले है ना, लेकिन मैच तो पति के साथ बनाना होता है ना। मैं तो अपने पति के चक्कर में मोटी हो रही हूँ, मुझे पोटे होने का कोई शौक नहीं है। मैं सोचती हूँ उसको पूरा नहीं लगे कि मैं मोटा चक्कर में पतली होना चाहती हूँ, ये पति के चक्कर में मोटे होना चाहती है। भाई इनको उनके साथ मैच बनाना है, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे उनके साथ मैच बनाना है, इनको उनके साथ मैच बनाना है। तो उसके लिए तो फिर ये तो पति प्रेम है हमारा। पति देख रहे होंगे वीडियो, खुश हो जाएंगे, मगर बाद में कहेंगे तूने मुझे मोटा मोटा क्यों कहा। मैं कहा मोटा हूँ। इधर वीडियो पापा देखेंगे तो पापा कहेंगे तुम कुछ भी बोलते रहते हो। इधर हम पतले नहीं हो रहे, उधर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे। बढ़ तो रहे हैं, मतलब बहुत स्लो स्पीड से बढ़ते हैं। मतलब आप लोगों को तरस नहीं आता ना, हम आपके लिए वॉक कर रहे हैं, हैं पतले हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं। ये भी कि सब्सक्राइब बटन दबा दो, कोई बात नहीं। जैसे पतला होने में बहुत मेहनत लगती है ना मम्मी, देखो मोटा होना बड़ा आसान है, खा खा के पेट निकालना बहुत आसान है, मगर जब उसको अंदर करना पड़ता है ना तो नानी याद आ जाती है। सेम में वीडियो बनाना बहुत आसान है, लेकिन सब्सक्राइबर्स लाने में ना नानी याद आ जाती है। तो नानी माँ को याद करते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि सब्सक्राइब बटन दबा दें। थोड़ी सी देर लगती है, कितनी देर लगती है, हाँ कितनी देर लगती है, खुश कर दो ज़रा, मेरी मम्मी को भी खुश कर दो ज़रा, और मेरे कॉमेडी चैनल को भी चेकआउट करो, कॉमेडी बाय YMP को चेक करो, उसमें आप बोर नहीं होंगे, इसमें आप बोर वो मज़ेदार है थोड़ा, इसमें शायद आप थोड़े बोर हो जाते होंगे, लेकिन उसके अंदर तो सिर्फ आप हंसते रहेंगे, क्योंकि सिर्फ कॉमेडी कंटेंट है उसके अंदर, उसके अंदर स्क्रिप्टेड कॉमेडी कंटेंट है जो आपको बहुत पसंद आएगा। ये तो हम रैंडमली कुछ भी उठा के बस कैमरा उठाते हैं बोलना शुरू कर देते हैं, ये तो हम वैसे वाला ब्लॉग बनाते हैं। राम राम, राम राम, आते जाते लोग हमें राम राम करते हैं, हम उन्हें राम राम करते हैं, बस ऐसे ही हमारा ब्लॉग का कंटेंट बन जाता है। करें वॉक, चलो आइए वॉक करते हैं। तो खड़े हो गए हैं अपने अपने मोटे मोटे शरीरों के साथ में। तो हम लोग बाहर से सैर करके घर आ चुके हैं, और जैसे कि हमने आपको बताया था कि खाते हैं सैर करते हैं, खाते हैं सैर करते हैं, तो मम्मी ने दोबारा से सैर करने की जो तैयारी है, मतलब जो हमने पेट में डालना है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें वापस से सैर करना है। वैसे फ्रूट से तो मोटे नहीं होते हैं, मगर हम फिर से खाने की तैयारी कर चुके हैं। तो एक ही बार खाते हैं, खाने की बार खाते हैं, छोटी मोटी चीजें बार बार खाते रहते हैं, कभी केले खा लिए, कभी चिक्की खा ली, कभी चाय पी ली, कभी चाय रस खा लिए, कभी सूप पी लिया, कभी मैगी खा ली, कभी बाहर से कुछ मंगवा लिया। घर में खाना हम सिर्फ एक दो ही बार खाते हैं, लेकिन जैसे बाहर का खाना हो जाता है वो खाना थोड़ी ना होता है। अब एप्पल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, खाना थोड़ी ना है, चिक्की खा रहे हैं, खाना थोड़ी ना है, केला खा रहे हैं, खाना थोड़ी ना है। तो मतलब मम्मी पूरी तैयारी में है, उसको खा के हम दोबारा से बाहर राउंड लगाने जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, और बाय कर देते हैं, बाय कर दो मम्मी, बाय। आप लोग भी एप्पल खाएं, आप लोग भी बनाना खाएं, और खाने फ्रूट खाने से कोई मोटा नहीं होता, मैं मजाक कर रही थी, फ्रूट खाने से कभी मोटे नहीं होते हैं। तो खाए पिए, खाओ पियो ऐश करो मित्रो, जो मोटा कहता है उसको बोलने दो ना।